फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद डॉली पे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं आइस्कॉन टेंपल पे, वृंदावन पार्ट 3 वीडियो, और ये लास्ट वीडियो है। तो इसमें ही मैंने सब कुछ डाल दिया है। बाकी अगर ये वैसे ना 6 से 7 मिनट की वीडियो थी, अगर उसमें डालती ना सेकेंड पार्ट में तो बड़ी हो जाती, तो इसलिए मैंने ये तीसरा पार्ट देखे वृंदावन का। और यहाँ पर वीडियो मैंने पूरी ख़त्म कर दी। यहाँ पर आइस्कॉन टेम्पल आए थे और इतना ज़्यादा अच्छा था आइस्कॉन टेम्पल। और हम प्रेम मंदिर नहीं गए थे, क्योंकि प्रेम मंदिर हम ना इससे पहले पिछले साल जब हम गए थे ना, तब हम मैं होकर आई थी प्रेम मंदिर, तो इसलिए प्रेम मंदिर नहीं गई थी वहाँ पर। दूसरी सबसे बड़ी बात, दिन में ये सारे मंदिर वहाँ के बंद हो जाते हैं, तो शाम के टाइम खुलता है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा ऑफर लेट हो जाते हैं हम यहाँ पर घर पर आने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर आइस्कॉन टेम्पल के अंदर ना यहाँ पर था कि हरे रामा हरे कृष्णा का 108 बार मंत्र जाप होता है, तो वो ही अंदर जाते हैं। बाकी मतलब और जाना चाहते हैं ना तो मंत्र पूरा मतलब पढ़े में देखे, हरे रामा हरे कृष्णा का ये था, ठीक है। बाकी लोग क्या कर रहे थे ना, ऐसे घुस जा रहे थे देखने के लिए, फिर मतलब वो मंत्र कर भी नहीं रहते, फिर वहाँ के जो सिक्योरिटी वगैरह होते हैं ना वो डांट भी रहते हैं। यहाँ पे ये देखिए जो कमल के फूल बन रखे हैं ना, यहाँ पर ये 108 बन रखे हैं, इन्हीं पर चलिए और इन्हीं पर 108 मंत्र ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे आइस्कॉन टेम्पल ना बहुत ज़्यादा सुंदर था। ये देखिए काउंटिंग भी लगी हुई है, 85 100 ऐसे करके यहाँ पे सारी काउंटिंग भी लगी हुई है। तो काफ़ी बड़ा था आइस्कॉन, और यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगा। राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी थी, और फॉरनर यहाँ पे ना कीर्तन भजन कर रहे थे हरे कृष्ण हरे रामा, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे देख के। तो यहाँ पे देखिए 100 तक आ चुके हैं। यहाँ पर ना मैं थोड़ी थोड़ी सी रियल वॉइस दे दूंगी। यहाँ पर ना देखिए फॉरनर कैसे मतलब यहाँ पे कीर्तन हरे राम हरे कृष्णा का मंत्र कर रहे हैं। बाके बिहारी लाल की जय। तो देखो आपने कितने अच्छी तरह से हरे राम हरे कृष्ण का वो कर रहे थे ये लोग। और यहाँ पर ना हम आए थे, मतलब ये आइस्कॉन टेम्पल के अंदर का ही है, और ये वाला हम घूम के यहाँ पर हमने खाना वाना खा के हम निकल गए थे। यहाँ पे दिख रहा था कृष्ण की मूर्ति इतनी ज़्यादा प्यारी, इतनी ज़्यादा सुंदर थी, लग रहा था देखते ही रहे, बट हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे थे, क्लियरिटी नहीं आ रही थी। और देखिए इतनी ही आ पाई है, और मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और आइस्कॉन टेम्पल में भी ना मतलब बहुत सुंदर है, मूर्तियाँ वहाँ पे इतनी ज़्यादा आकर्षित अट्रैक्ट करने वाली हैं कि ऐसा लगता है वहाँ खड़े रहो और इनको देखते रहो, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर ना मुझे राधा कृष्ण जी भी लेने थे, तो वो इतने ज़्यादा कॉस्टली बता रहे थे, और कई ज़्यादा ना रीज़नेबल प्राइस ही बता रहे थे, तो फिर हम ले ही नहीं पाए। यहाँ पर देखिए राधा कृष्ण नाचते हुए, तो हर एक मूर्ति बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, अपने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी सारी मूर्तियाँ। सो होप्स आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लगे मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी तो फैमिली फ्रेंड्स से आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हमने पूरे आपको एक एक मूर्ति अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है कि यहाँ पे अच्छे से आप लोगों को दिख जाए। यहाँ पर चलो चलो नारायण वसुदेव है। तो चैनल को जल्दी जल्दी से मेरे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाली जो नेक्स्ट मतलब एक दो वीडियो के बाद मेरा जल्दी बहुत जल्द आने वाला है बागेश्वर धाम का वीडियो, जो मैं अप्रैल में ही गई थी। और बागेश्वर धाम का मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी उनके बालाजी की, वहाँ के पूरे मैंने बहुत अच्छे से मतलब मैं आप लोगों को दर्शन कराने की पूरी कोशिश करी थी। तो बहुत पास से तो वीडियो नहीं बन सकती थी वहाँ पर, बट हाँ जितना भी हो मैंने बनाई। और सबसे मेन बात वहाँ के लोग बता रहे थे गुरुजी का घर, मैंने मतलब वहाँ की वीडियो भी बनाई है, तो गुरुजी का घर और वहाँ की वीडियो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर ये देखिए शायद जगन्नाथ जी की मूर्ति थी कि यहाँ पर ना लिखा हुआ था, बट वीडियो हस्बैंड बना रहे तो लिखने में पे मतलब या शायद नहीं लिखा हुआ था शायद। हाँ तो यहाँ पर क्या नाम है, यहाँ पे हमारा इस्कॉन टेम्पल हम लोग घूमे थे, कम से कम हमने एक से दो घंटे यहाँ पर लगे थे घूमने में और दर्शन करने में, सॉरी घूमने में नहीं दर्शन करने में, पूरा अच्छे से हमने यहाँ पे दर्शन करे। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे ऊपर आए थे, यहाँ ऊपर भी ना मंत्र के जाप होते हैं,
हो नहीं रहे थे उस टाइम, बट यहाँ पर भी कमल के फूल थे और 108 ही बने हुए थे। तो यहाँ पर ये सब मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ था, यहाँ पर बहुत सारी बातें देखी आत्मा को कैसे शांत, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, तो वो सब नहीं पढ़ा। यहाँ पर हम आ गए हैं रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। यहाँ का खाना मतलब इतना अच्छा था, इतना ज़्यादा अच्छा था यहाँ पर, और हर एक चीज़ क्या नाम है यहाँ पर बिना प्याज लहसुन की, तो और भी अच्छा था। यहाँ पर देखिए छोले भटूरे मंगवाए थे मम्मी के लिए, और डोसा मंगाया था मैंने अपने लिए, और पाव भाजी मंगाई थी मेरे हस्बैंड ने अपने लिए। तो ऐसा नहीं है कि जिस जिसने जो जो मंगाया उसने उसने वही खाया, सबने मिल बांट कर यहाँ पर खाया। लड्डू के लिए भी अलग से उनको खिलाया है सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पर हमने ये सब खाना, रोटी वोटी नहीं खाएंगे, ये खाएंगे, बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ पर हमारा खाना खाकर जो ख़त्म होने वाला, देखिए पाव भाजी वगैरह खाना बहुत टेस्टी था अभी वृंदावन में। और यहाँ पर हम खा पी के और यहाँ पर हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर ये मैंने, मेरे को बैग चाहिए, तो यहाँ पे बैग देखे थे तो मतलब कॉस्टली थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। ये बैग इतने नहीं थे जितने यहाँ पर बता दिए गए थे, 700-800 रुपए के बैग बताए थे ये वाले, तो फिर मैंने नहीं लिए थे। तो यहाँ पर मैंने ली थी, कृष्ण जी का प्रिंट था यहाँ पर, तो साक्षी के लिए टी शर्ट ली थी। यहाँ पर इतनी शॉपिंग हुई थी लड्डू की, मम्मी की और साक्षी की बस, और बाकी हमने दोनों ने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा।